हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रॉडकास्ट बॉम। आज हम पढ़ेंगे टाइम, समय के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर्स। नंबर्स कितने ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमने कवर किया 1 से 100 अरब तक के नंबर्स को हमने उस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वह पहले देखिए, क्योंकि नंबर्स भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और नंबर्स हर जगह पे हम यूज़ भी करते हैं। इसलिए नंबर्स की जानकारी होनी अंग्रेज़ी में काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आप वह वीडियो देख लीजिए जो मैंने पहले अपलोड किया। तो आज हम देखेंगे टाइम, और टाइम मतलब समय के बारे में जानेंगे। मैंने टाइम के रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे वर्ड निकाले हैं, ऐसे कुछ शब्द लिए हैं जो हमें हमेशा हमारी बोलचाल की ज़िंदगी में, या हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसे बार बार यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं परसों। परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसों को हम लोग बोले कि द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, जो कल के पिछला बीता हुआ दिन होगा उसे हम कहेंगे परसों। अब परसों में दो तरीके होते, द डे आफ्टर टुमारो, एक टुमारो के बाद वाला परसों, और एक कल के पहले वाला दिन उसे हम कहेंगे परसों। तो शुरू करते हैं, द डे बिफोर एस्टरडे मतलब परसों, यस्टरडे मतलब कल, टुडे मतलब आज, टुमारो टुमारो मतलब कल। यस्टरडे और टुमारो दोनों को भी कल बोलते हैं। यस्टरडे का माना होता है बीता हुआ दिन, जो प्रेजेंट में खड़े होके बीता हुआ दिन को हम बोलेंगे कल, और टुमारो को बोलेंगे जो आने वाला दिन, आने वाला दिन जिसको हम कहेंगे टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, मतलब टुमारो के बाद वाला दिन। अब परसों के आगे भी हम बोलते हैं नरसो और तरसो। नरसो का मतलब होता है द डे आफ्टर परसों। अब परसों का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल के पहले वाला परसों। अब वो परसों के पहले वाला होगा नरसो, तो उसे हम कहेंगे द डे आफ्टर परसों। परसों के और वहाँ पे होता है तरसो। तरसो का मतलब होता है द डे आफ्टर नरसो। नरसो का मतलब होता है सेम टुमारो से आने वाला, आने वाले दिन को परसों के मतलब परसों के बाद जो दिन आएगा उसको हम कहेंगे तरसो। फिर आएगा मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। सुबह मतलब सुबह, प्रभात प्रभात, गुड मॉर्निंग। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं सुबह में तो हम यूज़ करते हैं शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आता है आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। दोपहर का मतलब, दोपहर में हम उसे कहेंगे, अगर दोपहर को किसी को ग्रीट करना हो तो हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। उसके बाद आता है इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम, संध्या। नाइट, नाइट का मतलब होता है रात, NIGHT, नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। DAY, डे, डे का मतलब होता है दिन। फिर उसके बाद होता है DARK, डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, जो रात में हम होता है ना अंधेरा, जिसको हम कहेंगे डार्क। ब्राइट, जो सुबह का उजाला उसे बोलते हैं हम ब्राइट। ब्राइट मतलब BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट मतलब उजाला। WEEK, वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता। MONTH, मंथ महीना, माह। YEAR, ईयर साल, वर्ष। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स,
मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसे हम कहेंगे दशक, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स जिसको हम कहेंगे शताब्दी। जो 100 100 ईयर्स को जो पीरियड होता है उसको कहेंगे शताब्दी। उसके बाद आता है मिडनाइट, आधी रात को हम मिडनाइट कहते हैं। आफ्टर मतलब बाद, जैसे कि हम कहेंगे कि बाद में मिलेंगे, मतलब आई मीट यू आफ्टर, मतलब आफ्टर का मतलब होता है बाद, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, BEFORE, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर वन डे मतलब एक दिन के बाद, मतलब एक दिन के बाद। आफ्टर वन डे, बिफोर वन डे का मतलब होता है एक दिन पहले। आफ्टर यू तुम्हारे बाद, बिफोर यू तुम्हारे पहले। दिस ईयर इस साल, इस वर्ष। लास्ट ईयर पिछले साल। उसके बाद होता है नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, पिछले साल। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है अगले साल। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था लेकिन हम हिंदी में उसको रखेंगे। फिर आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल बाद, बिफोर 2 ईयर्स 2 साल पहले। उसके बाद आएगा, अब हम टाइम को कैसे पढ़ेंगे वो मैंने बताया है। तो हम जो अब मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप, इसमें जब भी टाइम होता है और हम जब 12 घंटे का सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट, तो उसमें AM और PM आता है। तो AM और PM का मतलब होता है, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंटे मेरिडियम, दोपहर से पहले, उसको बोलते हैं हम AM। और दूसरा होता है PM, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, स्पेलिंग है POSTMERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम, दोपहर से के बाद, दोपहर के बाद को बोलेंगे PM, पोस्ट मेरिडियम, और दोपहर से पहले को हम कहेंगे एंटे मेरिडियम। मैंने कुछ एग्जाम्पल नीचे लिए हैं, जिसे हम 1 AM मतलब रात के 1 बजे, ठीक है। बाद में 7 AM, 7 AM मतलब 7 AM मतलब सुबह के 7 बजे। फिर आएगा 2 PM, 2 PM का मतलब होता है दोपहर के 2 बजे। उसके बाद आता है 6 PM शाम के 6 बजे। उसके बाद आता है 7 PM शाम के 7 बजे। उसके बाद आता है 8 PM मतलब रात के 8 बजे। उसके बाद आता है 9 PM रात के 9 बजे। फिर हम कहेंगे मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, हम कहते हैं ना कि मिडनाइट को मैं ऐसे वैसे, तो उसमें मिडनाइट का मतलब होता है, मिडनाइट का मतलब है आधी रात, MIDNIGHT, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। हाफ पास्ट मतलब साढ़े, अब हमको बोलना है 6:30, तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 6:30, 6:30 को हम कहेंगे हाफ पास्ट 6 मतलब 6:30। उसके बाद आएगा क्वार्टर अंटिल मतलब पौने, हमको कहना है 4:15, तो हम कैसे कहेंगे एफ क्वार्टर अंटिल 4 मतलब QUARTERUNTIL, क्वार्टर अंटिल 4 मतलब 4:15। क्वार्टर पास्ट मतलब सवा, अब हमें कहना है 9:15, 9:15 का मतलब होता है 9:15 मतलब 9:15। जब ऐसे रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, 9:15 को हम बोलेंगे 9:15, तो 9:15 को हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9। उसके बाद हम ऐसे कभी कभी हमें सिचुएशन आती है और हम ऐसे कहते हैं कि 8:20 है, या फिर 8:20 हो गए हैं, 3:12 हो गए, अब 10:07 बाकी है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, तो हम 8:20 को ऐसे कहेंगे 20 मिनट्स पास्ट 8,
या फिर हम ऐसे भी कहेंगे 8:20, मतलब 8:20 हो गए हैं। नीचे हमने लिखा है 12:03, मतलब 3:12 हो गए हैं। 7:07:10, मतलब 9:53, मतलब 9:10 को अब 7 मिनट बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है और शायद उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको किस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि हम या मैं उस वीडियो के ऊपर, उस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपकी ज़रूरत को पूरा करूँ। तो दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप प्रेस द बेल आइकॉन, मतलब जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कीजिए, तो आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।